अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन हेयर टोनर शेयर करूंगी जो आपके बालों के जो जो भी मसले हैं ना, जैसे कि अगर आपको हेयर फॉल का इशू हो रहा है, अगर आपको ग्रे हेयर का इशू हो रहा है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं और अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप इस टोनर को बस एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए, बनाकर देख लीजिए, आपको इसके रिजल्ट खुद ही नजर आ जाएंगे। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्विकली मैं आपको बताती हूँ ये बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी अनियन। अनियन आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही लेना है। अब आपने क्या करना है ना, जो अनियन हमने ली थी आप उसको छील लेंगे और उसका जो पील होगा उसे आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये पील भी हमारे इस टोनर में बहुत काम आने वाले हैं। अनियन में होता है सल्फर और ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बूस्ट करता है। हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट अनियन ही होता है। मॉनसून का सीजन स्टार्ट होते ही सबसे ज्यादा जो इशू हम फेस करते हैं वो होता है हेयर फॉल का इशू। इस सीजन में बाल इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से झड़ते हैं कि लगता है जैसे हम इन बालों की वजह से गंजे ही हो जाएंगे। अनियन के साथ साथ जो इसके पील होते हैं ये भी हमारे बालों में ग्रोथ का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। हमारे हेयर को बढ़ाने के लिए ये बहुत काम आते हैं। अब हमने जो अनियन कट की है उसको हम अलग कर लेंगे और एक दूसरे पैन में हमें लेना है एक ग्लास तक पानी। इसमें आपको ऐड करना है फेन्युग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, आपको कलौंजी ऐड करना है और उसमें अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स ऐड करना है और जो अनियन के पील हमने लिए थे वो भी आपको इसमें ऐड कर देना है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। सभी को आपस में मिक्स करके हमें गैस पर रख देना है लो फ्लेम पर और इसे थोड़ी देर तक 5 से 8 मिनट तक पकने देना है। इसे लो फ्लेम पर रखने के बाद हम वापस आ जाएंगे हमारे अनियन की तरफ। जो हमने कट कर ऑलरेडी रखा हुआ है उसे हम ऐड करेंगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में और हम लेंगे एक एलोवेरा का टुकड़ा। आप इसमें ऐड कर लेना, मैं उसे शूट नहीं कर पाई, और लगभग आधा ग्लास तक आप इसमें पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है और एक फाइन पेस्ट बना लेना है। देन उसके बाद स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसे स्ट्रेन कर लें। आप चाहें तो कॉटन क्लॉथ से भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से आप स्ट्रेन कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको जो ये जूस हमें चाहिए था अनियन और एलोवेरा का वो हमें मिल चुका है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब बारी आती है हमारे उन इंग्रेडिएंट्स की जिसे हमने ऑलरेडी गैस पर रखा हुआ है, उसे हमें लगभग 8 से 9 मिनट तक पकने देना है और उसके बाद उसे भी हमें स्ट्रेन कर लेना है एक सेपरेट बाउल में। बॉइल होने के बाद इस टोनर का कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी जो गुडनेस है ना, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होगी, वो हमें मिल चुकी है इस टोनर में। अब हमें क्या करना है ना, जो हमने स्ट्रेन किया है ये टोनर, हमें इस टोनर को ऐड कर लेना है अपने उस टोनर में जो हमने अभी अनियन का जूस स्ट्रेन करके अलग से रखा हुआ है। अनियन और एलोवेरा को हमने ऑलरेडी जूस बनाकर रखा हुआ है। अब हम इन दोनों ही जूसेस को आपस में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी जो गुडनेस होगी ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। अब आपने इसमें 2 से 4 बूंदे लेमन की ऐड करना है, क्योंकि लेमन भी हमारे ग्रे हेयर के इशू को बहुत ही तेजी से ठीक करता है। अब आपने इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे ट्रांसफर करना है एक जार में। इसे आप आराम से स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में लगभग 8 से 10 दिन के लिए, बट कोशिश कीजिए उससे ज्यादा बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जितना फ्रेश होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इस टोनर को आपको सिंपली आपके हेड वॉश करने के 2 घंटे पहले आपके साफ बालों में अप्लाई करना है। आप चाहें तो स्प्रे बॉटल में इसे ट्रांसफर करके इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप जैसे चाहें इसे कॉटन की हेल्प से, जैसे भी चाहें इसे आप अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप हेड वॉश कर लें, चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं और सुबह उठकर आप नॉर्मली जैसे हेयर वॉश करते हैं आप वैसे ही हेयर वॉश कर लें। ये बहुत बहुत अच्छा है आपके बालों की ग्रोथ को डबल ट्रिपल करने के लिए। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके जो भी फायदे होंगे ना वो आपको मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। बहुत ही मेहनत और शिद्दत से मैंने इस टोनर और वीडियो को बनाया है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।